आलू के चिप्स बनाने के लिए सबसे पहले आलू लें, वो बिल्कुल नए नहीं होने चाहिए, मोटी चमड़ी के होने चाहिए, यानी कि उन पर अच्छी सी लेयर होनी चाहिए। उनको छील के पानी में डाल लें, इस तरह से कट कर लें आलूओं को। आलू का साइज़ बड़ा होना चाहिए, चाहे मशीन से आप ऐसे कट कर सकते हैं, चिप्सों को पानी में ही कट करें आप, ताकि ये काले ना पड़े। इनको अच्छे से पानी में डालते जाएं, और फिर कटने के बाद इसे 2 से 3 बार कम से कम साफ पानी में धोएं। इस तरीके से हमने 3 बार इनको धो लिया है। उबालते वक्त ध्यान रखें कि ठंडे पानी में आपको चिप्स नहीं उबालने हैं, पानी को अच्छे से उबाल लेना है, फिर उसमें चिप्स डालने हैं, और फिर उसमें एक उबाल लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है, हाई फ्लेम पे एक उबाल लगाना है, और बीच बीच में इसे हल्के हाथ से इस तरह से पलट देना है। उबाल आते ही गैस को बंद कर देना है, इस तरह से सॉफ्ट कर लेने हैं चिप्स, फिर पानी निकाल लेना है छलनी में, और बड़ी सी चादर बिछानी है और उस पर इस तरह से चिप्स डाल देने हैं। चिप्सों को अलग अलग कर देना है आपको, सुखा लेना है इस तरह से, और ऐसे स्टोर कर लेना है, फ्राई करें इस तरह से। आपके चिप्स रेडी हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें।